संघाचा आयकॉन खेळाडू तुम्ही बघतायत मुख्तार अली स्ट्राइकिंग इनच्या दिशेने. ओपन चेंडू बॅटच्या स्लॉट मध्ये आणि या चेंडूला पाठवलाय समोरच्या प्लॉट मध्ये. चेंडूने घेतला एक टप्पा आलाय सीमार शप्पल इकडे पहिला चौकार फलंदाज मुख्तार अलीच्या बॅट मधून. मुख्तार अलीने इरादे स्पष्ट केलेत. गौरेशचा पहिला चेंडू खूप चांगला आपण पाहिला आणि त्यानंतर गौरेश कांबळीच्या ओरपीसेल मुख्तार अली यावेळेला बॅटच्या स्लॉट मध्ये आणि चेंडूला पाठवलाय समोरच्या प्लॉट मध्ये. आलाय षटकार मुख्तार अलीच्या बॅट मधून. तेजस पड़वा स्ट्राइक बल्लेबाज उनके ऊपर बल्लेबाजी कर रही है. शॉर्ट ऑफ लेन का गेम पुल किया है जहां तक ये जाता है और वहीं पे बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी शॉर्ट ऑफ लेन गेम फील्डर को मौजूद किया था वहीं पे फील्डर बल्लेबाज को वहां पर समझ में लिया कि गेम कहां पर खेलना है. वो जो जाल फंसाई थी उसी जाल में फंसा हुआ ये बल्लेबाज और नतीजा आपके सामने दूसरे विकेट का पतंग यहां पर गिरता हुआ और नतीजा आपके सामने कोई रन में तब्दीली नहीं. रन संख्या स्कोर बोर्ड के ओर हमारे स्कोरर योगेश बता रहे हैं रन संख्या होगी खेलने के लिए गेंदबाज अपनी बाई तरफ से अंपायर की तरफ से ये गेंद फेंका और ये गेंद और वही जाल में फंस गया गोपाल भट्टा और माफ कर रहा अक्षय घाटवल पीछे आता हुआ लगातार दो विकेट का पतंग गिरने के बाद फिर से एक बार मैच में दिलचस्पी पैदा होती हुई. और जहां तक क्रिकेट का सवाल यही क्रिकेट है क्रिकेट में कोई भी भविष्यवाणी कही नहीं जा सकती. अभी पहले तीन ओवरों का अगर गेम खेल का गेंद डालने के लिए तैयार अंपायर को पार करते हुए गेंद और यहां पर ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हल्के से उसको सम्मानित किया नतीजा वही के सामने फाइन लिख की दिशा में उसको खेलना चाहते थे वही पर जब तक आप एक अच्छे फील्डर फील करें नतीजा वही एक रन की तब्दीली हुई दोनों बल्लेबाज मुख्तार की अगली गेंद देखना है. तीन गेंद अब तक उन्होंने फेंके हैं नतीजा दो विकेट अपने टीम के लिए हासिल किए और यहां पर तीसरी गेंद में एक रन दे दिया अपना अच्छा दायित्व निभाते हुए इस बार अंपायर को पार करते हैं ये गेंद और ये गेंद बहुत ही तारीफ करूंगा ये गेंद की जो कि पहले से डिसाइड किया था बल्लेबाज ने उसको लेग साइड की किया बल्लेबाज पर अंपायर को पार करते ये गेंद. ये गेंद बहुत ही शॉर्ट नतीजा वहां पर थर्ड मैन की दिशा में उसको खेला और जब तक फील्डर फील कर देखना किस तरह कितने रन आते हैं दो रन का हिसाब तो जरूर आया होगा और यहां पर यह दूसरा रन और नतीजा मिस फील्डिंग वहां पर जरूर हो गई थी लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट में कोई ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं वहां पर रन आउट की विकेट की ओर से पतंग कट्टा हुआ और यहां पर चार विकेट अभी पेविलियन में वापिस यहां पर रन आउट के रूप में एक विकेट खोने के बाद रन संख्या गेंद की अगली गेंद देखना है किस तरह से गेंद को फेंकेंगे अंपायर को पार करते हुए राइट ओवर देंगे. चेंज ऑफ पेस जरूर थी गेंद हल्का सा आउट स्विंग उधर जरूर मिला था लेकिन वहां पर सफल गेंदबाजी की समाप्ति हो गई खत्म हो गया. यहां पर चौथा ओवर मुकम्मल होने के बाद रन संख्या हो गई 58 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर. यहां पर अभी मैं गेंद करना चाहता हूं कि मैच अगर टाई हो जाएगा तो सुपर ओवर खेला जाएगा. फिर से एक बार गेंदबाजी लगता है यार बाजी नहीं की ये गेंद क्रिस्ट उसको खेल दिया स्टीयर कर दिया ऑफ स्टिक के दिशा में जब तक पॉइंट का खिलाड़ी आके उसको फील करे शॉर्ट थर्ड मैन का आकर खिलाड़ी उसको फील करे दो रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं नतीजा आपके सामने 11 रन और 21 फिर से एक बार साइड चेंज कर दिया है दाजी ने यह ग्राउंड कार्पेट का बहुत ही अच्छा शॉट खेल दिया मिड विकेट की दिशा में जाते हुए गेंद को जब तक फील्डर आके फील कर दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल दिया और नतीजा आपके सामने एक रन का इजाफा जरूर आके राउंड विकेट करेंगे. अभी अंपायर की दाई तरफ से देखना है गेंदबाजी के लिए तैयार और ये गेंद स्टीयर कर दिया हालांकि गली की दिशा में जब तक फील्डर आके फील करे दोनों बल्लेबाज दाजी ने अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट का फेंकना है किस तरह की गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाजी किस तरह से हो जाएगी ये गेंद लेग स्टिक की दिशा में देखना है ये को जरूर थी उसी का प्रदर्शन करते हुए ये टीम और ये दाजी नाइक के बल्ले से एक चमचमाता छक्का बहुत ही अच्छा षटकार देखने मिल रहा है वाइड तरह की लय में खेल रहे हैं दाजी नाइक देखना है किस तरह की गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज अंपायर को पार करते हुए ये गेंद और ये गेंद को सही से सम्मान जरूर दिया था हालांकि थोड़ा सा टप्पा और इस बीच फील्डिंग के बीच में ये गेंद चलता हुआ और दाजी नाइक ने यह स्लॉग
को स्लॉग बॉल को उसको मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है। नतीजा आपके सामने, ये और मुकम्मल होने के बाद आखिरी छह गेंद में रन चाहिए 10 रन और 6 गेंद और 10 रन, इसी समीकरण में यह मैच आता हुआ, जो मैच बीच में थोड़ा सा फंसा था।